तो जो मिक्सचर बना वो होमोजीनियस है। आप उस सॉल्यूशन का कोई सा भी पार्ट उसको अगर आप एग्जामिन करोगे तो उसकी स्वीटनेस सब में एक जैसी है। ऐसे नहीं कि आपने जो पहला पार्ट पहला सिप लिया वो ज्यादा मीठा था और लास्ट वाला सिप कड़वा था, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, समझ आ रही बात? तो सॉल्यूशन अपन किसको बोलते हैं, कुछ क्लियर हुआ? सॉल्यूशन इज सीरियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। वापिस सुन लो, सॉल्यूशन क्या है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब सॉल्यूशन के होमोजीनियस होने का मतलब ये है सॉल्यूशंस के सारे पार्ट की प्रॉपर्टीज हमेशा क्या रहती है? सिमिलर रहती है, ठीक है बच्चों? क्या रहती है? सारे पार्ट की प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है, ठीक है। अब देखो, अगर वो सॉल्यूशन है ना, तो वो हमेशा और हमेशा सिंगल फेज में रहेगा, हमेशा और हमेशा सिंगल फेज में रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एक ही फिजिकल स्टेट हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, जब शुगर को आपने पानी में डाला तो फाइनली आपको सॉल्यूशन में क्या दिखता है? शुगर अलग दिखती है क्या? क्या शुगर अलग दिखती है बच्चों? नहीं दिखता ना। सिर्फ क्या दिखता? सिर्फ पानी ही दिखता है, एक तरह से लिक्विड ही दिखता है, लिक्विड ही दिखता है। तो कितनी फिजिकल स्टेट हुई, कितनी फेज हुई? एक हुई। अब अगर एक फेज है बच्चों, फेज कितनी है? एक है। तो आप इस फिल्ट्रेट करके अलग नहीं कर सकते। आपको मैं शुगर का सॉल्यूशन दूं और एक मैंने आपको क्या दिया, मान लीजिए फिल्टर पेपर दिया, क्या फिल्टर पेपर से आप शुगर को अलग कर देंगे? क्या फिल्टर पेपर से शुगर को अलग कर देंगे? क्या नहीं कर सकते ना बच्चों? समझ आ गई बात? बोलो, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वापस सुन लीजिए। देखो, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशंस के सारे पार्ट की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, किसी भी पार्ट में चले जाइए, है ना। सॉल्यूशन हमेशा सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है। सिंगल फेज में एग्जिस्ट करने के कारण हम फिल्ट्रेशन से सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। इतना सबको क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है डेफिनेशन? अब देखो बच्चों, सुनो। अब देखिए, सॉल्यूशन को अपन किन किन पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने लिया बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टरनरी। बाइनरी का मतलब है कि इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो दो होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू होंगे। ऐसा मान लीजिए कि मैंने क्या किया, दूध और पानी दो कंपोनेंट हो गए, मिल्क प्लस वाटर दो कंपोनेंट हो गए, टर्नरी में तीन कंपोनेंट हो गए, मिल्क प्लस वाटर प्लस शुगर कितने हो गए? तीन कंपोनेंट हो गए। क्वार्टरनरी में कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। कई बात समझ में? सिंपल है बच्चों, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी। हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। सिर्फ कैसे सॉल्यूशन है बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट। एक बचपन से आप चीज पढ़ते आ रहे हो कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दो चीजें होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन जनरल अगर अपन देखें बच्चों, तो सोल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है, एंड सॉल्वेंट आपकी मोर अमाउंट में होता है या हायर अमाउंट में होता है, ठीक है ना। लेसर अमाउंट में सोल्यूट एंड हायर अमाउंट में सॉल्वेंट होता है। इज इट क्लियर? अब देखो, मोस्ट ऑफ केसेस में सोल्यूट जो है वो अपनी फिजिकल स्टेट को लूज कर देता है,
जैसे आपने सुगर को पानी में डाला तो सुगर अपनी फिजिकल स्टेट को लूज करता है क्या बच्चों? सुगर अपनी फिजिकल स्टेट को लूज करता है, करता है, समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, तो मोस्ट ऑफ केसेस में सोल्यूट ठीक है अपनी फिजिकल स्टेट लूज कर देता है, तो जिस फिजिकल स्टेट में आपको फाइनली सॉल्यूशन मिल रहा है ना, वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट कंसीडर होती है। अब देखो एक बड़ा इसमें अच्छा क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास 50% वाटर है एंड 50% एल्कोहल है। अब दिमाग में ही आता है अब हम क्या करें, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? बेटा किसी को मान लो है ना, इसको सॉल्यूट मानोगे तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा ठीक है, और ये सॉल्यूट होगा तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, समझ में आ गया? 50% में तो किसी को मान लो ना, बोलो भी आप इसको ऐसे सोचो, मान लीजिए इसी असेंबली के अंदर टोटल मान लीजिए 200 सीट है ठीक है, 200 सीट है, अपन ऐसा मान लें अपनी कंट्री की दो पार्टी है कांग्रेस एंड बीजेपी है बच्चों, कांग्रेस एंड बीजेपी दो है ठीक है, है भैया बोलो, तो अपन क्या करेंगे कि अगर 200 सीट है ना, उसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, मान लीजिए कांग्रेस को मिली 100 सीट और बीजेपी को भी मिली 100 सीट ठीक है ना, तो क्या करेंगे अब बताओ, गवर्नमेंट बनाने की पॉसिबिलिटी दोनों के पास है ना, अरे दोनों के पास है, बोलो क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलो क्लियर है सबको, क्लियर है ठीक है, अब देखिए सुनी एक टर्म आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक टर्म आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, देखो सैचुरेटेड अपन किसको बोलते हैं बताओ? देखो सैचुरेटेड बच्चों उसको बोलते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर अपन डेफिनेट टेम्परेचर पर सॉल्यूट की एक्स्ट्रा अमाउंट को डिजोल्व नहीं कर पाए, समझ में आ रहा है? सैचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसमें आप डेफिनेट टेम्परेचर पर क्या सॉल्यूट के एक्स्ट्रा अमाउंट को डिजोल्व नहीं कर पाओ ठीक है ना। जैसे आप सोचो सैचुरेटेड का मतलब सिंपल सही होता है कि आपको जितनी भूख थी आप उतना खाना खा चुके हो, अब आपके खाने की इच्छा खत्म हो गई, तो आप कौन सी स्टेट में हो बताओ? मान लीजिए आपकी भूख थी चार रोटी खाने की और आपने चार रोटी खा ली, तो आप कौन सी स्टेट में आ गए? सैचुरेटेड स्टेट में आ गए क्या? बोलो ठीक है, आगे बात समझ में? तो अगर अब आपको देखो उस टेम्परेचर पर अगर आपको सॉल्यूट और डिजोल्व करना हो तो डिजोल्व नहीं होगा, समझ में आया? फिर अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं बच्चों बताओ? अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? अगर अपन डेफिनेट टेम्परेचर पर है ना एक्स्ट्रा अमाउंट को और डिजोल्व कर पाए ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने दो ही रोटी ठीक है आपने दो ही रोटी खाई है ना, तो अभी भी आपकी भूख है
बोलो, अभी भी आपकी भूख है, खा सकते हैं अपन, बोलो। क्या ये समझ में आया? बोलो, समझ में आया मामला? क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो सुनो, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड समझ में आ गया? अब देखिए, अब है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट हो वो बहुत लार्ज अमाउंट हो, सॉल्यूट की अमाउंट जो हो वो काफी ज्यादा हो। और डाइल्यूट किसको बोलते हैं? जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो। समझ में आ गया? आसान आसान टर्म्स है, बोलो, ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, आप बताओ हमारे पास कितनी फिजिकल स्टेट होती है बच्चों? फिजिकल स्टेट कितनी है? तीन है, ठीक है ना? टोटल फिजिकल स्टेट तीन है। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर अपन कितने टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं वो देखते हैं। देखो, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, देखो सॉल्वेंट गैसियस फेज में, ठीक है? सॉल्वेंट कौन सी फेज में? गैसियस फेज में, ठीक है? तो अगर सॉल्वेंट गैसियस फेज में ना बच्चों, तो उसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्वेंट अगर गैसियस फेज में है तो उसको क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। इट क्लियर? अब देखो, गैस का गैस में सॉल्यूशन ऐसा समझें कि ऑक्सीजन इज डिजोल्ड इन नाइट्रोजन। बोलो, दोनों गैसेस फेज में है ना? फिर लिक्विड का गैसेस फेज के अंदर, तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म क्या होता है? लिक्विड फेज में होता है, ठीक है? सॉलिड का गैसेस फेज में, ठीक है? तो सॉलिड का गैसेस फेज में बता सकते हैं, बोलो, जैसे मैंने लिया कैम्फर इन नाइट्रोजन, हो सकता है? अपन घर पे कैम्फर जलाते हैं, कपूर जानते हो, आपने कैम्फर को जलाया तो वो जो सॉलिड है वो एयर के अंदर फैल गया ना बच्चों। कैम्फर को जब अपन ने जलाया तो वो सॉलिड किसके अंदर फैल गया? बोलो, गैसेस फेज में फैल गया, ठीक है? तो अगर सॉल्वेंट गैसेस फेज में है तो इसको क्या बोलेंगे? गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है? अब देखो, अब लिक्विड लेते हैं, ठीक है? अब मैं बोलता हूं कि जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है? वो लिक्विड है। समझ में आ रहा है? तो अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसको क्या बोला जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन। बोलो, गैस का लिक्विड में बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अपन जो सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं, CO2 इन वाटर। लिक्विड का लिक्विड में बोलो इथेनॉल इन वॉटर, सही है? तो जब लोग पैक बनाते हैं तो बोलो ये होता है, बोलो ये होता है क्या? इथेनॉल इन वॉटर। और सॉलिड का लिक्विड के अंदर बताओ, सॉलिड का लिक्विड के अंदर बहुत एग्जांपल है, कोई भी सॉल्ट लो और उसको वॉटर में डिजोल्व कर दो, है ना? क्या ये समझ में आया? समझ में आया? आसान आसान सी बात है मेरे हिसाब से। अब देखो, अब लेता हूं मैं सॉलिड, अब देखो, अब अपन सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉलिड, ठीक है? एक बार गैस को डिसॉल्व करेंगे, एक बार लिक्विड को और एक बार सॉल्वेंट
सॉलिड को सॉलिड में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो गैस का सॉलिड के अंदर बड़ा सिंपल सा एग्जांपल याद कीजिए, हाइड्रोजन इन निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, याद है क्या? हाइड्रोजन का याद है बच्चों, याद है? हाँ वेरी गुड, क्या बात है जतिन, बहुत टाइम बाद आया तेरा रिस्पॉन्स। हाँ जी लिक्विड का सॉलिड में बताओ, लिक्विड का सॉलिड में बताओ, मरकरी लिक्विड होती है बच्चों, मरकरी मरकरी इन सोडियम कॉपर जिंक, है ना? मरकरी का ले सकते हैं, सोडियम में कॉपर में जिंक में ले सकते हैं क्या बच्चों, समझ में आया आपको? हाँ भैया अब बताओ सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का सॉलिड में एलॉय हो सकते हैं, जैसे कॉपर प्लस जिंक फुल हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? सही है। अब देखो बच्चों एक चीज में आप कहते हो कि सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का सॉलिड में, इसका डिफरेंस कैसे पता लगेगा बताओ, सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का सॉलिड में डिफरेंस कैसे पता लगेगा? देखो बहुत सिंपल है, सॉल्ट प्लस वाटर, आप उसको अगर गिराओगे ना तो फ्लो कौन सा करेगा, ये वाला सॉल्यूशन फ्लो करेगा या ये वाला फ्लो करेगा, कौन फ्लो करेगा, फ्लो कौन सा करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर या मरकरी इन सोडियम, फ्लो कौन सा करेगा बोलो, ये करेगा सॉलिड इन लिक्विड? अरे समझ में आ गया, लोकल लैंग्वेज में बोले अपन मारवाड़ी में तो क्या बोलते हैं उनको, गिराने में क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, डोल दिया, तो डोल के अपन देख सकते हैं क्या, अरे बीकानेर में बोलते हैं ना, तो डोल के देखो अगर कोई फ्लो कर रहा है तो वो तो ये होगा, और अगर वो फ्लो नहीं कर रहा है तो वो ये हो जाएगा, समझ में आया? अरे समझ में आ गया। अब बताओ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है, कौन बताएगा कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है बच्चों? नाइट्रोजन है ना, वेरी गुड, क्यों नाइट्रोजन की अमाउंट सबसे ज्यादा है, सबको पता लगा, बोलो क्लियर है? ठीक है चलिए अब देखो सर कुछ टर्म सुन लीजिए, जैसे एक टर्म आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपन उसको बोलते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता हो, ठीक है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम पहले से जानते हो, इसको कैलकुलेट किया हो, समझ में आ गया? ठीक है। फिर एक होता है स्टोक सॉल्यूशन बच्चों उसको बोलते हैं जो हायर कॉन्सेंट्रेटेड वाला हो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है ना, स्टोक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, समझ में आ रही है बात, बोलो। जैसे देखो आप रूह अफ़ज़ा की बोतल लेके आए
या कोई भी आप शरबत लेके आए घर पे, तो शरबत की जो बोतल है ना उसके अंदर जो शरबत है वो स्ट्रोक सॉल्यूशन है। आप क्या करते हो उसमें से एक या दो ढक्कन पानी में या दूध में मिला के बनाते हैं? बनाते कि नहीं बनाते? समझ में आ गया क्या? बोलो, स्ट्रोक सॉल्यूशन समझ में आया? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, एक टर्म होता है डेंसिटी, ये तो आप जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ग्राम पर एमएल। ठीक है, एक बच्चा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या होता है जानते हैं आप? स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलो, एक ही बात है। देखो जैसे टर्म रिलेटिव आ जाए, है ना, जैसे टर्म रिलेटिव आ जाए इसका मतलब रेशियो होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर। समझ में आया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर, समझ में आया? मान लीजिए किसी लिक्विड की डेंसिटी एक्स ग्राम पर एमएल है, ठीक है, और वॉटर की डेंसिटी सब जानते हैं आप कितनी होती है, 1 ग्राम पर एमएल होती है क्या? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल होती है क्या? बोलो, अब बताओ, ग्राम पर एमएल से ग्राम पर एमएल कैंसिल आउट हो गया है क्या? बोलो, तो क्या आया, एक्स आया, आई बात सुन। अब देखो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस क्या हुआ? देखो न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, जैसे मान लो किसी की डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर एमएल, ठीक है, किसी की डेंसिटी क्या है 1.2 ग्राम पर एमएल, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, सिर्फ 1.2। समझ में आया? तो डेंसिटी की यूनिट होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, अब मैं आता हूं कॉन्सेंट्रेशन पर। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये समझते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में प्रेजेंट। क्या बोला? कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब देखो बच्चों, जनरली जो अमाउंट है वो दो चीजों में ली जाती है, दो यूनिट कौन कौन सी होती है, मास एंड वॉल्यूम, और ये भी मास एंड वॉल्यूम ले सकते हैं। देखिए इस बेसिस पर अपन मेनली तीन यूनिट्स को देखते हैं। देखो एक मैंने बोला वेट बाय वेट, वेट बाय वेट यूनिट, एक मैंने बोला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट, और एक मैंने बोला वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। ठीक है, अब समझो मैं सिंपल सिंपल से एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए 2 ग्राम शुगर प्लस 100 ग्राम वॉटर, इसमें आपको क्या दिख रहा है, मैंने ये भी ग्राम लिया ये भी ग्राम लिया, तो दोनों को मैंने क्या किया, कौन सी यूनिट में लिया बच्चों, वेट यूनिट में लिया, मास यूनिट में लिया। एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही लेके चलना है, फिजिक्स में जरूर डिफरेंस लेते हैं आप, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बताओ जैसे मैं ये बोलूं 2 ml इथेनॉल प्लस 100 ml वॉटर, अब बताओ दोनों में क्या दिख रहा है, कौन सी यूनिट दिख रही है, वॉल्यूम दिख रहा है क्या? पक्का? ठीक है, फिर देखिए वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम में क्या होगा, देखो
2 gram solute plus 100 ml solvent ले लिया। तो देखो एक मास है और एक वॉल्यूम है, क्या सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब एक बात बताओ, मास और वॉल्यूम इसमें से कौन सी चीज टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है, बताओ बच्चों? वॉल्यूम चेंज होता ना बच्चों, मास तो चेंज नहीं होता, सबको पता है मास कभी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो एक बार बताओ, क्या ये यूनिट टेम्परेचर से चेंज होगी? क्या ये यूनिट टेम्परेचर से चेंज होगी? नहीं होगी। और ये दोनों यूनिट, होगी ना? क्यों होगी? बोलो, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम है, तो ध्यान रखो, जिसमें भी वॉल्यूम आ जाए, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाए, ठीक है ना बच्चों, वो हमेशा और हमेशा टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होती रहेगी। समझ में आ गया? यानी ये दोनों यूनिट क्या होती है, बोथ आर अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। क्या ये मैंने सही लिखा? क्या मैंने ये सही लिखा है? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, ये अफेक्ट नहीं होगी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्या ये क्लियर है? सबको क्लियर है? तो बताओ बेस्ट यूनिट कौन सी हुई, अच्छी यूनिट कौन सी हुई? फर्स्ट वाली होगी, वेट बाय वेट होगी। सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, जिस यूनिट में वॉल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेते हैं, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये जो पार्ट में पढ़ा रहा हूं ना, ये मैंने सारा पूरा पार्ट 11th में पढ़ा रखा है आपको, ये पार्ट मैंने 11th में एक्सप्लेन कर रखा है चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर, है ना? तो वही रिपीट हो रहा है। इवन दो इसमें जो देखो सारे क्वेश्चन और है ना, वो सारे इसमें डाले हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन है, आपने नोट्स देखे होंगे, है ना? तो आप समझने पर ध्यान दें बच्चों, ठीक है? चलिए अब देखिए, अपन हेडिंग डालते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है? सबसे पहले लेते हैं मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास और वेट बाय वेट परसेंटेज, ये लिया मैंने, मास परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास और वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है बच्चों? अब देखो, सबसे पहले एक काम करता हूं, इसमें मान लीजिए मेरे पास शुगर और वाटर, ठीक है, मान लीजिए शुगर है 20 ग्राम और वाटर है 30 ग्राम, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने, ठीक है? तो बताओ दोनों मिला के कितना हो गया सॉल्यूशन, कितना बन गया? 50 ग्राम बन गया, क्या बन गया? मैं किसी को दिक्कत नहीं, आसान सी बात बोली। अब बताओ 50 ग्राम सॉल्यूशन में आपका 20 ग्राम शुगर है क्या? बोलो है क्या बच्चों, दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं, तो बताओ 1 ग्राम में क्या होगा? क्या ऐसा बोल सकता हूं 20/50? क्या सही लिखा मैंने? बोलो। अब देखो बताओ 100 में क्या होगा 20/50 × 100, बोल सकता हूं क्या? ये भी मैंने सही लिखा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 10^6 में क्या होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 10^6 में ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोलो। अगर आपको कोई चीज
वन पार्ट में पता है तो आप किसी भी पार्ट में फाइंड आउट कर सकते हो। आपको एक बार करके पैसे पता है कि 10 रुपए का है, अब कितनी बार करके पूछे बता सकते हो ना। क्या करोगे, सिंपल उसको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों। अब बताओ 10 की पावर 9 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बोलो सही है क्या, ये सही है ये जो लिखा, समझ में आया। अब एक बात बताओ, देखो जब आप वन पार्ट में डिफाइन करते हो, जब आप वन पार्ट में डिफाइन करते हो बच्चों, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। जब आप यूनिट अमाउंट में डिफाइन करोगे उसको क्या बोला जाएगा, फ्रैक्शन बोला जाएगा। अब बताओ ये आपने कितने पार्ट में डिफाइन किया, नेक्स्ट वाला कितने पार्ट में डिफाइन किया, 100 पार्ट में किया ना, तो 100 पार्ट में डिफाइन अगर करते हो तो उसको बोला जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज बन गया। ये कितने पार्ट में डिफाइन किया, नेक्स्ट वाला कितने पार्ट में किया, 10 की पावर 6, तो ये बच्चों बन जाएगा पीपीएम। क्या बन गया, पीपीएम बन गया। बोलो ये कितने पार्ट में डिफाइन किया, 10 की पावर 9, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, पीपीबी। सुन लो, देखो फ्रैक्शन वन पार्ट में, परसेंटेज 100 पार्ट में, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, समझ में आया, पार्ट पर मिलियन, तो मिलियन में बच्चों 10 की पावर 6 ही होता है। पीपीबी पार्ट पर बिलियन, समझ में आया, तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने परसेंटेज भी बता दिया, फ्रैक्शन भी बता दिया, पीपीएम भी बता दिया और पीपीबी बता दिया, एक साथ बता दिए। अरे कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अरे दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ नहीं बच्चों, फ्रैक्शन में पता है, अब जिसका पूछे उसको मल्टीप्लाई करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो लगी नहीं, ठीक है। अब देखो सुनो, तो देखो तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्या ये सही है, क्या ये फॉर्मूला सही लिखा मैंने, क्या ये फॉर्मूला सही लिखा, सबको समझ में आया क्या, सबको क्लियर है, तो बताओ बच्चों मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट ये फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। ऊपर किसका मास आएगा अब, हाँ वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, क्या सही है, क्या ये सही है, सही है। अब बताओ इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 100 आएगा, वेरी गुड 100 आएगा। अच्छा अब बताओ क्या मैं, देखो अपने पीपीएम तो ये लिखा अपने मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मैंने इस तरह से लिख दिया। पीपीएम को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अब बताओ इस चीज को क्या बोल सकता हूं, इस चीज को क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं, मास परसेंटेज, तो बोलो क्या हो गया, पीपीएम हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू 10 की पावर 4, क्या ये सही है, क्या मैंने सही लिखा है, सही लिखा है क्या, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो,
ये सब कुछ नोट्स में है, आप समझने पे ध्यान दें, पूरा फोकस समझने पे करो, सारा कुछ नोट्स में है। एक बात बताओ, देखो मेरे पास 20% वेट बाई वेट है ना सुगर का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है 20% वेट बाई वेट सुगर का एक्वस सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान रखो, जब दोनों यूनिट एक जैसी हो, वेट बाई वेट या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। समझ आ गया, समझ में आई बात? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें 20 ग्राम तो सुगर है और 80 ग्राम वॉटर है। कई बात समझ आई क्या? बोलो 20 ग्राम सुगर और 80 ग्राम वॉटर। कोई ऐसा मत बोल देना कि 20 ग्राम सुगर और 100 ग्राम वॉटर, ऐसा नहीं है भैया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ आया? बोलो ये बात क्लियर है सबको, ये बात सबको समझ में आई? अब देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। मैंने ऐसे बोला 25% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुगर, ठीक है 25% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुगर, देन कैलकुलेट मास ऑफ सुगर इन 250 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुगर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है 25% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुगर है, देन कैलकुलेट मास ऑफ सुगर इन 250 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुगर। बता दो कितना आया बच्चों, बोलो आ गया सबके। देखो बहुत आसान है 25%, तो परसेंटेज हो गया 25, हमें क्या चाहिए मास ऑफ सुगर, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 इंटू क्या कर दें 100 कर दें। बोलो क्लियर है ये? आ गया, तो बताओ मास ऑफ सुगर क्या आ गया 2.5 ग्राम। क्लियर है सबको, सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया? अच्छा बताओ मास ऑफ वॉटर क्या हो गया, मास ऑफ वॉटर बताओ, मास ऑफ वॉटर बताओ कितना 250 - 62.5, ऐसा ही करेंगे बोलो तो कितना आ जाएगा 187.5 ग्राम आ जाएगा। बोलो ये सबको समझ में आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट मैंने बोला कि मेरे पास 20% वेट बाय वेट 400 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुगर प्लस 30% वेट बाय वेट है ना 600 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुगर, ठीक है दो सॉल्यूशन है 20% का 400 ग्राम एंड 30% का 600 ग्राम, इन दोनों को मिक्सअप किया बच्चों, तो आफ्टर मिक्सिंग न्यू मास परसेंटेज आपको बतानी है, बता सकते हैं? तो सबसे पहले बताओ अब मिक्सिंग करने के बाद टोटल मास ऑफ
सॉल्यूशन बताओ कितना हुआ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन वो तो 1000 हो गया। अब देखिए टोटल मास ऑफ सुगर, सुगर का टोटल मास निकालना है, तो बताओ निकाल सकते हैं। ये 20% लेना है 400 ग्राम का, 400 ग्राम का कितना परसेंट लेंगे, 20%, तो 20/100 × 400 कर दूं बच्चों, क्या ये मैंने सही किया है? फिर देखो 30% 30/100 ये कर दिए, सही है क्या, ये सही किया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 80 और ये कितना हो गया 180, ठीक है। तो बोलो टोटल सुगर कितनी आ गई, बोलो कितनी आ गई, 260 ग्राम आ गई। तो बताओ न्यू मास परसेंटेज 260/1000 × 100 आ गया, 26% आ गया, आ गया क्या, क्लियर है सबको? चलिए अब फटाफट आगे चलते हैं अपन। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम देखो, मैंने बोला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और बी बाय बी परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और बी बाय बी परसेंटेज, ठीक है। इससे पहले क्या पढ़ा था, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, अब पढ़ रहे हैं वी बाय वी। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, फॉर्मूला समझ में आया सबको, समझ में आया? अब बताओ दोनों एक यूनिट में चल रहे हैं, दोनों एक यूनिट में चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों मिला के सम कितना आएगा, दोनों मिला के सम 100 आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे मैंने बोला 20% वी बाई वी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इसका मीनिंग बताओ, क्या मीनिंग बताओ, कितना ml वाटर होगा, कितना ml एल्कोहल होगा, बोलो, वेरी गुड। देखो 20 ml इथेनॉल प्लस 80 ml आपका वाटर हो जाएगा, हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब एक बार बताओ अगर मैं इसको 10^6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं 10^6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, वेरी गुड, पीपीएम बन जाएगा ना, समझ में आ गया सबको, क्लियर है पक्का, ठीक है। चलिए अब बात आगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेते हैं थर्ड, नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रेंथ, एक टर्म आता है स्ट्रेंथ, है ना, समझो बड़ा सिंपल है। देखो ये 10 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें मैंने 50 ग्राम सुगर डाल रखी है, ठीक है। 10 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सुगर डाली है मैंने, 50। तो देखो बच्चों 10 लीटर सॉल्यूशन में 50 ग्राम है, तो 1 लीटर में क्या होगी, बोलो ये आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी क्या, बोलो आसान है, सबको क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों सुनो, स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुआ, देखो मास ऑफ सॉल्यूट
divided by volume of solution. Okay, mass of solute divided by volume of solution. ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? इसको डेंसिटी मत बोल देना कोई, क्या ये डेंसिटी है? क्या ये डेंसिटी है? ये डेंसिटी नहीं है. डेंसिटी के लिए ऊपर क्या होना चाहिए था? मास ऑफ सोल्यूट की जगह, मास ऑफ सोल्यूट की जगह क्या होना चाहिए था? सोल्यूशन होना चाहिए था, है ना? तो डेंसिटी मत बोलना इसको. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये यूनिट टेम्परेचर से इफेक्ट होगी? क्या ये यूनिट टेम्परेचर से इफेक्ट होगी? होगी ना. ठीक है, तो देखो इसकी यूनिट वैसे क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर. क्लियर है? यूनिट समझ में आ गई? यूनिट क्लियर है? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट सुनो. अब मैं लेता हूं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और W by V, V percentages. ठीक है, ये देखते हैं. अब बच्चों समझना, देखो दोनों यूनिट अलग अलग है, तो अब सब मैंडेट मत कर देना. अब बात ध्यान से सुन लेना बच्चों, दोनों यूनिट अलग अलग है तो अब सब मैंडेट मत कर देना. क्या ये बात समझ में आई? इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, कि मास ऑफ सॉल्यूट वो लेंगे अपन ग्राम में. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो ले लेंगे अपन ml में इनटू 100 कर देंगे. क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये यूनिट टेम्परेचर से इफेक्ट होगी? क्या ये यूनिट टेम्परेचर से इफेक्ट होगी? होगी बच्चों. अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऐसा बोला 25% वेट बाई वॉल्यूम है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुगर है. इसका मीनिंग बताओ, 20% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन सुगर है, बताइए. बोलो, ध्यान रखना इस बार 80 मत कर देना. ठीक है, क्या बोलोगे? 20 ग्राम सुगर 100 ml वाटर या 100 ml सॉल्यूशन बोल सकते हैं. सबको समझ में आया? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज बताओ. अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रेंथ पढ़ा था. क्या पढ़ा था? मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ऐसा पढ़ा था? पढ़ा था. अब बताओ, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको ऐसा कर दिया. देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया जाए, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया जाए, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे. यहां डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, तो डिवाइड बाय 1000 सही किया मैंने? सही किया क्या? अब ये 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये 1000 ऊपर है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 100 × 10 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या?
अब बताओ इस पूरे को क्या बोल सकते हो, इस पूरे को क्या बोल सकते हो? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं। तो देखो क्या हो गया, स्ट्रेंथ क्या हो गई, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू टेन हो गई क्या? ये सबको समझ में आ गया, ये समझ में आया क्या सबको? क्लियर है सबको? क्लियर ना? अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। बताओ ये क्या बन गया, पहले बताओ ये क्या बन गया, पीपीएम बन गया? सबको समझ में आया? अब देखो, अब मैं इसमें छोटा सा चेंज करता हूं, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में है इनटू 10^3, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो एमएल में है, यहां इसमें कोई डिफरेंस है क्या? वो 10^6 को मैंने दो जगह तोड़ा और इस तरह से लिख दिया, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? सेम ही चीज लिखी है क्या? मैंने सेम ही चीज लिखी है क्या? बोलो। अब बताओ अगर आपने मास को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया ना। ग्राम को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाए? बोलो। आप बताओ अगर मान लीजिए मेरे पास 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे? 2 ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे? 2000 होंगे। तो जो भी मास होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते ही वो क्या हो गया, ये ऊपर वाली यूनिट पूरी क्या हो गई, मिलीग्राम हो गई क्या? ये मिलीग्राम हो गई क्या? सही है। और नीचे वाली यूनिट क्या हो गई बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 10^3, ये लीटर हो गया, ये देखो लीटर आ गया। तो बहुत ही काम की बात यह है कि अगर पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम है तो वो किसके इक्वल है, मिलीग्राम पर लीटर। एक ही बात है, मिलीग्राम पर लीटर बोलो और चाहे पीपीएम बोलो, वेट बाय वॉल्यूम। समझ में आया? क्लियर है क्या? एक बात बताओ, जैसे मैंने ऐसे बोला कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 90 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट है ना, देन इट्स पीपीएम विल बी, बताओ भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में 90 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट है तो इनके पीपीएम क्या होंगे? वही हो गए ना बच्चों, सेम ही रहेंगे। बोलो, नो चेंज क्या? क्लियर है? ये समझ आया?